हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नागरिक गौरव। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम बाद आप सब के साथ रूबरू हो रहा हूं, तो काफ़ी एक्साइटेड हूं। कुछ पर्सनल रीजन के वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी भगवानपुर में, और ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग अगर कुछ जानना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखें, बाकी आप ये वीडियो में काम कर रहे हैं। और अगर आप कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो के मतलब थ्रू आप आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको स्वागत है इस चैनल पे। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको आगे भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूनिवर्सिटी के सर मोनेश सर। सर स्वागत है आपका इस चैनल पे। थैंक यू गौरव। सर बेसिकली मैं आपसे आपका इतना कीमती वक्त से मैं सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए कुछ टाइम निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ सर, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी के वीडियोस डाले हैं, जिसमें लोगों का मतलब वीडियो पे तो देखते ही हैं, लेकिन एडमिशन रिगार्डिंग का कुछ क्वेरीज रहता है उस पर, और मैं उसके बारे में लोगों को जाकर मतलब बताने के लिए आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ सर। पहली बात जो बच्चे पूछते हैं कि अभी अभी एप्रिल चल रहा है, तो क्या अभी हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चालू है सर? देखो बात, अभी टेंथ का क्लास टेंथ का रिजल्ट आ चुका है और क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें टेंथ के बाद भी बच्चों को नहीं पता है कि टेंथ के बाद भी ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा, जैसे अभी आप लोग जानते होंगे कि टेंथ के बाद मार्केट में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जैसे कोर्सेज हैं, लोग अक्सर इन्हें नहीं पता होता है कि टेंथ के पास आउट होने के बाद भी नौकरी लग सकती है। डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज हैं और ITI भी है, बट कभी भी हम ये सजेशन देंगे कि आप उस ट्रेंड को चूज़ करो जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें टेंथ के बाद अक्सर पॉलिटेक्निक करके जिसको डिप्लोमा बोलते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, CS है, इलेक्ट्रिकल है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, आप उसमें टेंथ के बाद हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद 3 साल उसको करने के बाद आपकी नौकरी गारंटेड है कि लग जाएगी। हाँ सर, एक सवाल मेरा और आपको इंटरप्ट करा उसके लिए सॉरी। मेरा अक्सर ये BSc एग्रीकल्चर के बच्चों का, BTech वाले बच्चों का मतलब पर्सनल मैंने दे रखा अपना इंस्टाग्राम, जिसपे सॉरी उनका DM आते रहता है, तो उनमें उनका यही क्वेरी रहता है कि क्या हम इस यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे, यहाँ कोर्स करेंगे, तो क्या हमारा फ्यूचर है? देखो, फ्यूचर कभी भी किसी कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है। कॉलेज कभी भी आपको प्लेटफॉर्म देगा। हाँ, इस बात की गारंटी है कि हम आपको प्लेसमेंट आपकी कम मतलब आपके लिए बहुत सारी कंपनियां बुलाते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे अपने काबिलियत पे उस कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं। अगर आपको इसकी बेसिक जानकारी, वैसे कि कौन बच्चे कहाँ गए हैं, कौन सी कंपनी में कितने पैकेज गए हैं, हम उसके लिए कहेंगे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कैंपस आके विजिट करके देख लीजिए। अब आपको लगेगा अगर आपको हम बता दें कि हाँ हमारे कैंपस में ये हो गया वो हो गया, तो आप तो ये मानेंगे नहीं, ये फेक भी हो सकता है। तो खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड करने के लिए आप कैंपस आ जाइए। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे 100 बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें से 10-15 ही अच्छे जगह जा पाते हैं, क्योंकि उनकी काबिलियत भी कहीं जाए। मैं जो भी व्यूअर मेरे पास आते हैं जिनका सवाल होता है, मैं उनको वही बोलता हूँ, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटी अगर आप टैलेंट बेस्ड अच्छे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आपको ऑप्शन देती है कि आप अच्छा कर पाए। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहूँगा, थोड़ा साइड हट के बोलूँगा कि कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल या कोई भी आपको इंस्टीट्यूट टॉप नहीं कराता है, वो बच्चे के काबिलियत पे डिपेंड करता है। बस बच्चे को टीचर एक गाइडलाइन एक प्रोवाइड देता है, जो हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे BSc की बचत कर रहे हैं, चाहे BTech कर रहे हैं, चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स XYZ कोर्स मेरे यहाँ से आप कर रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को बेसिकली अच्छे से पढ़िए, सिर्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो टीचर पढ़ाते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उसको पहले से पढ़ जाइए और उस चीज़ को यहाँ आके क्रॉस क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। उससे ये होगा
कि जो आप पढ़ेंगे, जो अभी आप सब कुछ करेंगे, वो आपका एक तैयार होने जा रहा है। और जब कंपनियां आएंगी तो कंपनियां आपसे हमेशा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे, तो आप उसका आराम से जवाब देके आप अपना प्लेस करा सकते हैं और अच्छी कंपनी में आप जा सकते हैं। जी सर, एक और मैं सही बताऊँ आपको कि यहाँ पे आपको एक फैमिलियर माहौल भी मिलता है पढ़ाई के लिए, क्या सर गलत बोलूँगा? इस चीज़ के लिए तो मैं 110% का चैलेंज करूँगा कि इको फ्रेंडली हमारा माहौल है। आप विजिट करें कैंपस, आए और इस चीज़ को आप देख सकते हैं। बहुत कुछ है, मतलब नहीं कहते हैं कि हाँ यहाँ सीनियर जूनियर, ऐसा कुछ नहीं है कि वो टीचर गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रिस्पेक्टफुली सब एक दूसरे से बात करता है। और जहाँ तक हो, हमारे पास 2 बच्चे भी आएंगे तो भी मैं क्लास लगाऊंगा, हमारे यहाँ 200 बच्चे भी आएंगे तो भी क्लासेस लगाऊंगा। और ऐसे होता है, और ऐसा होता है, इसका एग्जाम्पल खुद गौरव मैंने देखा है। 2 लोग भी आते हैं तो भी क्लासेस चलती हैं। बाकायदा डाउट क्लियर होता है, सैटरडे दिन होता है, उस दिन आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वैसे टीचर्स आपके 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ऑन फोन कॉल, ऑन मैसेज, सब कुछ। बट एक बार टीचर जरूर पूछ लें कि सर आप फ्री हैं क्या। ये तो ही आपको ज़्यादातर बात सर ने खुद क्लियर कर दी, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कॉलेज रिगार्डिंग। अब मैं आपसे एक और बात बोलूँगा, बहुत लोग होते हैं जो कि मुझे पर्सनल डीएम करते हैं, बोलते हैं भैया या फिर भाई क्या आप मतलब बता सकते हैं कि कैसा यूनिवर्सिटी है क्या है। तो मैं इसका फुल्ली पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूँगा आपको, क्योंकि मैं खुद यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक पॉजिटिव व्यू है यहाँ के लिए। और मैं कुछ झूठ नहीं बोलता, हो सकता है कि मैं आगे ऐसा अगर आप लोग का डिमांड और कॉमेंट्स आए तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी आपको बात कराऊंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चों से कि क्या सर कि क्या आपको कैसा मतलब यहाँ माहौल मिलता है, कैसे कैसी पढ़ाई होती है। तो ये बात है। दूसरी चीज़, कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्या भैया आप यहीं से हैं, मतलब भगवानपुर जहाँ जो जगह पड़ता है वहीं से हैं, कहाँ से हैं आप, मतलब कहाँ है, या फिर कोई और पीछे की वीडियो जो लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि आप पटना से यहाँ क्यों, क्या करने आते हैं। तो भैया मेरा सिर्फ यही जवाब होता है कि अगर मैं अपने घर के पास सड़क एक अच्छा कॉलेज, अगर मैं मतलब अच्छे कॉलेज से अगर पढ़ सकता हूँ तो क्यों मैं दिल्ली और बॉम्बे जाकर। मैं गौरव एक बात बताना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पटना में रहने वाले यहाँ क्यों आएंगे। मैं आपको बता, सिर्फ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं और इस मामले में आप लोग आज़ाद हैं। आइए कैंपस विज़िट करिए और यहाँ आइए, अपने आप को सबसे पहले कहीं भी हम जाते हैं तो खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड करें। कभी खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड कर लो, उसके बाद इस काम को करना। और सर एडमिशन रिगार्डिंग बच्चे पूछते हैं कि क्या कैसा क्या, मतलब एडमिशन रिगार्डिंग हमारा बहुत इजी सिनेरियो है। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, एग्रीकल्चर में लेना है तो 12 तक की मार्कशीट, डिप्लोमा में लेना है तो 10 तक की मार्कशीट, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी या आप लेके कैंपस आ सकते हैं। बीटेक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 45% है, ठीक। और बात बात की सारी जानकारी आपको गौरव के माध्यम से आप मैं आपके लिए हूँ। और अगर आप चाहेंगे कि हम, जैसा कि लोग बोलते हैं कि भाई आप वही मैं बता रहा था कि यहीं से है, लोकल है, तो मैं इतने अच्छे यूनिवर्सिटी को मिस नहीं कर सकता था। मेरे पास तौर पर मेरे गार्जियन के तौर पर सर हैं और भी लोग हैं, हमारे जो फैकल्टी के टीचर्स हैं वो सब काफ़ी सपोर्टिव हैं हर एक ब्रांच के। तो वो हो गया, तो मैं क्यों जाऊँगा कहीं बाहर में। मेरे भैया हैं वो पढ़ रहे हैं बाहर, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मेरा जुड़ाव यहाँ लोकल यहाँ पे रहा है और मतलब कुछ यहीं से करने की इच्छा मेरा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कॉलेज मुझे बेस्ट लगा, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन कराया, मेरे पेरेंट्स ने कराया। और कुछ हद तक मैं अब बोल सकता हूँ कि मैंने एक सेमेस्टर समथिंग का एग्ज़ाम, मतलब एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ एक सेमेस्टर पढ़ के कि यहाँ आपको ऊपर जानकारी आपको मिलती है। दूसरी चीज़, आप जो भी इंक्वायरी आपको होता है कि क्या कितना कैसा क्या लगता है, तो उसके लिए मैं आपको अपना टेलीग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट मुझे मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ के थ्रू डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सबसे यहाँ के कैंपस भी आके मिल सकते हैं। वैसे अगर आप थोड़ा और प्रायोरिटी चाहते हैं अपने बातों को रखने के लिए, तो सर को आप बताएं कि मैं भी गौरव चैनल के थ्रू मैं यहाँ आया हूँ,
तो सर थोड़ा सा और अच्छे से रिगार्ड करेंगे क्योंकि सर का मैं हाँ कोई भी मेरे को आज कहने की मैं गौरव के माध्यम से आया हूँ चाहे यूट्यूब गौरव के थ्रू आपस मेरे को बताएंगे कि सर मैं भी गौरव यूट्यूब चैनल है मैं उसके माध्यम से आपके पास आया हूँ तो मैं आपको जहाँ थोड़ा हेल्प कर दूँगा ठीक है। मतलब क्या वीडियो में क्या ही बोले प्रश्न जुड़िए सर से हमसे फिर बात करने वाले हैं सर थैंक यू गौरव और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैंपस विजिट जरूर करें ठीक है। और आपका चैनल है सब्सक्राइब अच्छे से करें इस पर लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं ये डाउन टू अर्थ है मतलब जमीन से जुड़ा व्यक्ति है ये कुछ भी फेक नहीं करता है मुझे पता है कि किसको मैं प्रोत्साहित करता हूँ ठीक है। थैंक यू सर। सर को बीसी सर का कॉल आ रहा है सर जाना खतरा जा रहा है। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि गौरव आपकी कोई भी हेल्प करें अवेलेबल रहा अगर यूनिवर्सिटी में रहा और कैंपस टाइम के अंदर में अगर आप आए आपने डिनर किया और मैंने देखा तो मैं आपको ज़रूर आपके एडमिशन रिगार्डिंग हेल्प करूँगा या फिर कोई भी कैंपस कोई भी मतलब जो भी मेरे से जो हो पाएगा अगर आप चाहेंगे गौरव भाई आप कुछ हमारी सहायता करो तो ज़रूर मैं करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो था इसलिए थोड़ा सा लंबा मुझे बनाना पर लोग मेरे से नंबर मांगते हैं तो एक ही बार में मैं नहीं दे पाता हूँ और बाकी यही है कि आप टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे जुड़ें और मतलब वैसा ज़रूरी होगा तो मैं बिल्कुल अपना नंबर भी दूँगा और उसमें मैसेज करेंगे तो मैं उस मैसेज का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा उसको कवर करने की कोशिश करूँगा और बाकी यही आपका और भी कुछ कुछ क्वेरीज आती हैं तो प्लीज़ आप उसे भी डीएम करें और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें इंस्टाग्राम पे ताकि अगर मेरे से जो भी हेल्प हो पाए मेरे यूट्यूब के जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। इसके लिए आपको दो शर्त मैं बोल सकता हूँ कि है अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरा लालच क्या है मैं बताता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और बाकी जो भी है आपका भाई और आपको हेल्प करेगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। और बहुत बहुत धन्यवाद काफ़ी टाइम हो गया मेरा दोस्त पीछे विनीत जो मेरे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाले वीडियो में जिसका आप थंबनेल देखते हो वही कैमरा लिए हुए हैं तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारा मेरे साथ सुबह से है अभी सर को टाइम मिला तो इनसे हमारी बातें हुई और एक बार छोटा सा एक व्यू दिखा दो भाई। ओके जरूर वो और ये देखिए हम लोग का केमिस्ट्री लैब क्वेश्चन रिगार्डिंग भी वो आया था मैसेज आया तो अगर फिर से आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ की अगर हॉस्टल भी है लड़के लड़कियों के लिए तो मैं वो भी आपके लिए कवर कर दूँगा वहाँ पर भी मैं आपका अगर कोई मतलब ऐसा है कि मैं हॉस्टल में रहूँ यहाँ पे तो वो भी आपको इंतज़ाम मैं प्रयास करूँगा कि बताऊँ कि क्या कैसा इसका प्रोसीजर है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ज़्यादा लंबा हो गया इसके लिए माफ़ी चाहूँगा बाकी आपके लिए जानकारी